हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो ये दिवाली की पूजा की सामग्री है जो भी मैंने आज ली है। तो हम दिवाली की पूजा में 5 प्रकार के फल चढ़ाते हैं लक्ष्मी माता को। तो ये 5 प्रकार के फल हैं, संतरा, चीकू, जो भी आपको 5 प्रकार के फल स्पेशली माता के लिए चढ़ाने तो आप मंगा सकते हो उस टाइम। तो ये मेरे मिट्टी के दिए हैं जो मैंने दिए। आपको जितने आपको घर पे दिए जलाने हो आप उस हिसाब से दिए ले सकते हैं। एक बड़ा दिया स्पेशली आप लीजिएगा। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने छुहारे लिए हैं, 5 प्रकार के फल इसमें, वो ड्राई फ्रूट्स है सॉरी। ये लौंग इलायची भी आप माता के सामने ही आप ये रख लीजिएगा। लौंग और इलायची रखना ज़रूरी होता है। ये छुहारे हैं ड्राई फ्रूट्स में। मैंने किशमिश के मैंने छोटे छोटे पैकेट्स मंगा लिए ताकि मैं माता के सामने उसी टाइम ही रख दूँ। काजू, किशमिश, बादाम, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स देने हो। ये मिठाई है लड्डू बूंदी के और बाकी मिठाई भगवान के लिए। बूंदी के लड्डू में स्पेशली गणेश जी के लिए और हनुमान जी के लिए मंगाती हूँ। तो ये दिवाली का तोरण है जो हम की मेन गेट पे लगाते हैं, शुभ दीपावली, जिसमें लक्ष्मी माता गणेश जी भी बने होते हैं। दीपावली बिल्कुल लिखा होता है। तो ये मेरा ऐसा है, मैंने इस प्रकार लिया ये। हम जितना भी करें दिवाली में कम रह ही जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से करें, माता को खुश कर सकें। तो मैंने ये किया है, दिवाली का ही तोरण बाहर टांगना है गेट के मुख्य द्वार पे जहाँ पे एंट्रेंस होती है। शुभ होता है ये लक्ष्मी गणेश जी का ये लगाना, जिसपे स्पेशली चित्र भी बनाओ तो वो आप लगाइए। ये मेरा बड़ा दिया है क्योंकि एक हमें रात भर जलने के लिए चाहिए होगा कि रात भर चलता रहे दिया। और इस पे हम मिट्टी का जो एक अलग से दिया आता है वो भी हम इसके ऊपर ढक के रख देते हैं पूरी रात भर, ताकि हमारे काजल बन जाए। ये कहते हैं अमावस्या की रात में जो बना हुआ काजल होता है स्पेशली दिवाली के दिन, उसको रात भर आप ढक के छोड़ दीजिए। जो भी इस मिट्टी के दिए में जो भी काला रंग आएगा वो काजल बन जाएगा। तो उसे आप दिवाली के अगले दिन आप लगा सकते हैं अपने माथे पे, नज़र ना लगे, बुरी नज़र से बचने के लिए होता है आँखों में काजल लगाए। पर ध्यान रहे क्योंकि ये मिट्टी का होता है तो उसे अच्छे से लगाना होता है। आँखों में आप एकदम से ना लगाइएगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है तो ध्यान से ही रखिएगा। तो आप टीका लगा सकते हैं माथे के पीछे, जो बच्चों के लगा देते हैं, छोटे के सब इंसान लगा सकते हैं अपनी नज़र के लिए। ये इसमें कुछ अलग ही होता है। ये आंगन में, मेन गेट पे, मंदिर में, घर के अंदर, बाथरूम, ये सारे दिए लगाने हैं हमें आज। 5 स्पेशली घी के दिए होंगे, बाकी सरसों के तेल के। हमें मोमबत्ती भी, मैंने कैंडल्स है मेरी जिससे हम लगाएंगे। ये चुनरी है नारियल के लिए, हमें कलश स्थापना करनी है तो उसके लिए एक नारियल है जटाओ वाला। ये इसका हमने आधा जटा है हटवा लिया क्योंकि उस टाइम बहुत मुसीबत होती है जब आप इसको हटाते हैं। तो इसे पहले से छिनवा लिया था मैंने। ये पीला कपड़ा, ये विष्णु भगवान जी के लिए। ये दिया बाती क्योंकि कमना रह जाए इसे लिए सारे हैं। ये सफ़ेद फूल है भगवान शिव जी के लिए, मैंने मंगाए थे। आप लक्ष्मी माता को भूल के भी सफ़ेद फूल दिवाली पे ना चढ़ाइएगा। ये आम का तोरण है, आम के पत्तों का, जो हमें मेन गेट पे लगाना है। ये बना बनाया मिल गया था तो ये हम आम के पत्ते मेन गेट पे लगाएंगे। बाकी कलश स्थापना के लिए ये फूल है, गेंदे के फूल। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूल आप ज़रूर ही चढ़ाइए, हमें गुलाबों के फूल पसंद है। खीर, बतासे, धान्य जो होते हैं, खीर होती है, बतासे होते हैं, खिलौने होते हैं, ये माता को बहुत पसंद है। तो माता रानी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए स्पेशली खीर, बतासे आप ज़रूर चढ़ाइए, दिवाली पर चढ़ाते हैं इन्हें। अब अगले दिन अगर आप अन्नकूट का करते हैं तो आप थोड़े से पहले से बचा के रख सकते हैं। थोड़े से अन्नकूट में अलग से खील बतासे जो जाते हैं, जो गोवर्धन की पूजा होती है। ये मेरा, ये मैं मेन गेट में लगाऊंगी। रंगोली बनी बनाई मिल जाती है,
तो ये इसके ये बात भी हो गई है। ये मेरा यंत्र मैंने मंगाया है लक्ष्मी, इसमें ना सारे ही यंत्र है, कुबेर जी, लक्ष्मी, गणेश जी, इसमें सारे यंत्र दिए हुए, तो मैं ये पूजा स्थान पे रखूँगी। संपूर्ण यंत्र है इसके अंदर, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, दुर्गा सरस्वती वाले भी, बगला मुखी, मतलब इसमें सारे यंत्र दिए हुए हैं। वासुदोष, नवग्रह, ये बाजार से मिल जाएगा आप, नवग्रह भी, या दिवाली की पूजा में आप रख सकते हैं। आप यंत्र की पूजा शुभ मानी जाती है इस दिन, इसमें सारे यंत्र दिए हुए हैं। ये भी अच्छे से दिख नहीं रहे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप घर के आगे दिए ज़रूर रखिएगा, सरसों के तेल के दो दिए रखिएगा आप घर के आगे, साउथ डायरेक्शन। ये कल के लिए मैंने बेसन मंगाया था क्योंकि गोवर्धन पूजा है, तो मैं कढ़ी बनाती हूँ, तो ये अगले दिन के लिए मैंने मंगा लिया था बेसन। यही है सारा सामान, कुछ रह गया तो इसमें और भी चीज़ें थी, ये सरसों का तेल, तिल का तेल, और जो भी आप घी आप चलाते, घी के दीपक, खुला घी का जो होता है कटोरी में आप ज़रूर रखिएगा माता के सामने। तो यही सारा सामान, इसमें तिल भी होंगे, वाइट वाले तिल दिखाई नहीं दे रहे, लक्ष्मी माता के पैर भी थे इसके अंदर, शायद वो नीचे दब गए होंगे।